बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं गोमिया से 5 बार के विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता छत्रुराम महतो का बीती रात निधन हो गया है। छत्रुराम महतो 87 वर्ष के थे। कुछ दिनों से उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन को राजनीति जगत में अपूर्णीय क्षति बताई जा रही है। आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा वाहन से पहले झारखंड विधानसभा लेकर जाया गया, उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय लाया गया, जहाँ भाजपा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और रांची के विधायक सीपी सिंह ने श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके श्रद्धांजलि देते हुए सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जनसंघ काल के नींव के पत्थर रखने वाले छत्रु महतो को हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, जनसंघ काल के नींव के पत्थर छत्रु महतो को हम सब लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अपने जीवन में सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए ईमानदारी पूर्वक राजनीति करने का रास्ता उन्होंने तय किया था और उसको उन्होंने पूरा किया। विधायक के रूप में वित्त राज्य मंत्री बिहार सरकार के रूप में, उनको कई आयोगों के अध्यक्ष के रूप में, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में और उससे अलग हट करके एक बड़े भाई के रूप में उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे और संगठन निष्ठ और समाज निष्ठ अगर कोई हो तो छत्रु महतो जैसा हो। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वास्तव में उनके जीवन से कई ऐसे प्रसंग हैं हमारे अनुभव पर कि उनसे सीख लेकर के आदमी नर सेवा नारायण सेवा कर सकता है और दलगत राजनीति से ऊपर ये काम करते थे। राजनीति में दल को प्राथमिकता देते हुए सभी लोगों का सम्मान करने का अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता के इस दौरान उन्होंने विधानसभा आम निर्वाचन 2024 से संबंधित जानकारी साझा की है। फेज टू में वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्शन कैंपेन पीरियड 5 बजे से समाप्त हो चुका है। वो उसी क्षेत्र पर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वहां पर वोटर नहीं है मतलब उस एरिया का अविलंब कार्य करके बाहर अपने अपने एरिया पर चल जाना है। कहां पोलिंग होने जा रहा 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां का वोटर का दौरा अन्य व्यक्ति रहना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो होटल्स वगैरह मैरिज हॉल ये सब कुछ का चेक करेंगे, इसलिए अविलंब वहां से निकल जाने। साइलेंट पीरियड में कोई भी कैंपेन अलाउड नहीं है, वैसा होगी मतलब उसका संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड एक्टिविटीज कोई भी नहीं होगा, केवल कमीशन के इंस्ट्रक्शन अलाउड अंतर्गत क्या अलाउड है वही केवल होगी। आप लोग का माध्यम से ये भी अनुरोध है, सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें, ताकि उसी का समय पर आरओ निर्गत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 2400 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी। 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 14,219 बूथ है, उसमें एक बूथ है एंसिलरी बूथ है, ये जमदाड़ा में बनाएगी। केवल 57 लेप्रेसी पेशेंट का वोटिंग करने में पहले से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका फोकस करते हुए एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए कमीशन से परमिशन लेकर एक बूथ एक्सलरी बूथ बनाया गया था जमदाड़ा में, उसमें केवल 57 वोटर है, वो भी सब लेप्रेसी पेशेंट है, उनका कॉलोनी में ही बनाया हुआ उसमें, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। फेज टू में वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में
हजारीबाग के हजरत दाता मदारा शाह की मजार उर्स का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में 3 फीट का पराठा आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। एक पराठा से 5 लोग अपना पेट भर सकते हैं। साल भर इंतजार करने के बाद मेला में पराठा का बाजार लगता है। पराठा का दुकान लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से कारीगर पहुंचे हैं। पराठा नवाबों को खूब पसंद आता था। समय बीतने के साथ यह पराठा भी लोगों से दूर होता चला गया, क्योंकि नवाब भी कम होते चले गए। इसके कारीगर अभी भी कुछ इलाकों में घूम घूम कर दुकान लगाते हैं। पराठा का हम लोग इंतजार साल भर तक करते हैं। यही समझिए, जब उर्स लगता है तो ये नसीब होता है। और तो ऐसे आम दिन में कभी हम देखे नहीं इसे पराठा बनते हुए कहीं, तो ख़रीदने का मौका मिल जाता है, यही उर्स के बहाने खा लेते हैं। और टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ये पराठा। इसके साथ क्या खरीदते हैं? हलवा भी ले जाते हैं। हलवा भी ले जाते हैं, पराठा हलवा। अभी तो जितने भी लोग आए हुए हैं लमसम सब तो खरीदेंगे ही, इसलिए बहुत मज़ेदार है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मज़ेदार है। और मतलब लगता है कि हम लोग मेला घूम रहे हैं या उर्स के मौके पर पहुँचे हुए, चलिए कुछ खा लिया जाए। हम यहाँ से यूपी से आए हैं और लुत्रा शरीफ से लेके हम झारखंड तक आते हैं, और एक पूड़ी में कम से कम कुछ नहीं तो 10 लोग खाएंगे। कैसे बनाते हैं इसको? उसका ट्रेनिंग करना पड़ता है, फिर वैसा बनाना पड़ता है। क्या मटेरियल होता है? मटेरियल मैदा रहता है, मावा रहता है, और उसका साठ बनाना पड़ता है। कितना समय लग जाता है उसको बनाने में? कम से कम 1 घंटा जाएगा। हजारीबाग में सबसे अच्छा हमारी दुकान में सेल होता है हमारा हलवा, बॉम्बे होटल। हमारे होटल का नाम है बॉम्बे होटल। पराठा का हम लोग इंतजार साल भर तक करते हैं। यही समझिए, जब उर्स लगता है तो ये नसीब होता है। और तो ऐसे आम दिन में कभी हम देखे नहीं इसे पराठा बनते हुए कहीं,